अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, जो अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो सरकारी मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उस हवाले से एक अपडेट आई है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पंजाब के हवाले से ये खबर है, दौरान सर्विस फौत असाज़ा के बच्चों को नौकरी देने का फैसला किया गया है। ऐसे असाज़ा की तफसीलात तलब कर ली गई हैं, निगरान कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। दौरान सर्विस वफात पाने वाले असाज़ा के बच्चों को नौकरी देने का फैसला किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रावलपिंडी से असाज़ा की तफसीलात तलब कर ली। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब और असाज़ा तंजीमों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल निगरान कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी समेत सूबा भर में असाज़ा तंजीमें सरापा एहतजाज रहीं और चार्टर ऑफ डिमांड में भी ये मामला सरे फहरिस्त रहा कि दौरान सर्विस वफात पाने वाले असाज़ा के बच्चों को नौकरी दी जाए, जिस पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले असाज़ा के बच्चों को नौकरी देने का फैसला किया है और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को हदायत दी हैं कि अपने ज़िले में ऐसे असाज़ा की तफसीलात फराहम करें ताकि उनके बच्चों को नौकरी दी जा सके। इस इकदाम को अमली जामा पहनाने के लिए कमेटियां ज़िला की सतह पर इन भर्तियों की निगरानी करेंगी। ये एक न्यूज़पेपर पर अखबार में जो है वो शाया की गई थी। आपकी मालूमात के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है। उम्मीद करता हूँ इस इंफॉर्मेशन से आपको या आपके किसी दोस्त को ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने इस वीडियो को भी शेयर करना है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।